हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ई एम आर एस के लिए जो आपके टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए एडमिट कार्ड की जो सिटी होती है, यानी कि किस सिटी में आपका एग्जाम पड़ा हुआ है, वो सिटी आउट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, बेसिकली मैंने फॉर्म भरा था केवल इस एग्ज़ाम को जाँचने के लिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, किस तरीके के लेवल आता है, और ये बैंकिंग पैटर्न रहेगा या एसएससी पैटर्न रहेगा। हालांकि मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एसएससी पैटर्न है या बैंकिंग पैटर्न है। ठीक है, और ये ढेर सारी वीडियो बना रखी है, फुल एग्जाम शेड्यूल आउट हो गया है, सिटी आउट हो चुकी है। ठीक है, 20 दिन में आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, तो जिसे आपको जो है फाइनल जो सिलेक्शन है वो मिल जाएगा। ठीक है, और ढेर सारी वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम, और मेरा जो एग्ज़ाम है वो 17 दिसंबर को, क्योंकि एक डेट तो एक ही और इवनिंग में है, और मेरी जो सिटी है वो दोस्तों वो है गांधीनगर गुजरात। ठीक है, तो गांधीनगर गुजरात में मेरा जो है सेंटर पड़ा हुआ है। आप में से किसी का है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और आप बताइए कि आपका कहाँ का पड़ा है। दोस्तों, ये आपका एडमिट कार्ड नहीं, केवल इसमें कुछ सिटी दिखाई गई, डेट दिखाई गई और शिफ्ट दिखाई गई। आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड वो आपको 2 दिन पहले देखने को मिलेगा। इसके साथ कुछ वैलिड आईडी कार्ड वगैरह भी लेके जाने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको जब आपका एडमिट कार्ड प्रॉपर आ जाएगा तब आपको बता दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।